हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास नाइन के कुछ टॉपिक्स उठाते हैं। मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि क्लास नाइन के कुछ टॉपिक्स दिए थे उन्होंने, तो उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। नाउ पहला टॉपिक है अबाउट योर रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो लुक वेरी इजी है, आपको बताना है आपका रोल ऑफ एटमॉस्फेयर है क्या। ठीक है, एटमॉस्फेयर का रोल क्या है कि एटमॉस्फेयर हमारा सबसे पहले होता किस वजह से है। एटमोसफेयर एग्जिस्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी। सफिशेंट ग्रेविटी चाहिए आपके एटमोसफेयर के लिए कि वो रहे। ठीक है, एटमोसफेयर ड्यू टू एटमोसफेयर देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ का एटमोसफेयर है जिसकी वजह से यहाँ क्या होती है, लाइफ होती है। ठीक है, नाउ लाइफ और द कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेज दैट सपोर्ट लाइफ इन फिक्स प्रोपोर्शन। ये जो लाइफ है ये किस वजह से है, ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस, ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन फिक्स प्रपोर्शन। अगर जिस प्रपोर्शन में अभी गैसेस हैं उस प्रपोर्शन में ना हो तो यहाँ लाइफ क्या करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जिस प्रपोर्शन में यहाँ गैसेस पाई जाती हैं उसी प्रपोर्शन में होनी चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज हमारी एटमोसफेयर में कौन सी गैस का है, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। हर गैस का अपना एक रोल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये टेम्परेचर ऑफ अर्थ रिटेन करती है। जैसे आपने देखा होगा, देखिए सन है हमारा, ठीक है, ये डे टाइम पे आता है। ठीक है, तो जब ये चला जाता है तो नाइट में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब अगर आपका डे टेम्परेचर लगभग अगर कितना है, एज्यूम करिए अगर आपका डे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है हैं, तो नाइट टेम्परेचर आपका लगभग लगभग नहीं भी तो 9 to 15 degrees Celsius रहता है। तो ये 9 to 15 degrees Celsius है कैसे, नाइट में तो 0 degree Celsius से भी नीचे चला जाना चाहिए, सन तो है ही नहीं। तो ये जो दिन भर की एनर्जी है ना ये पूरा रेडिएट नहीं करता, दिन भर की एनर्जी को स्टोर करे रखती हैं ये गैसेस, जैसे कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बोले तो आपका CO2, मीथेन, ये आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, NO2। ठीक है, ये गैसेस आपका क्या कर रही हैं, टेम्परेचर को रिटेन करके रख रही हैं। अब आप बोलेंगे कि ये यार ये गैसेस तो बुरी होती हैं। हाँ, ये गैसेस बिल्कुल बुरी होती हैं जब ये अपने अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएं, तो ये फिर क्या होंगी, नुकसान ही पहुँचाएंगी। ठीक है, अब इसका देखते हैं, आर्गन, आर्गन गैस क्या करती है, ये आर्गन करती है आपका, ये जब भी आर्गन गैस का लेवल इंक्रीज होगा ये बताता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, मून की अपनी कोई मून में कोई भी वो नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, वहाँ लिविंग रेंज पे हम नहीं रह सकते, लिविंग रेंज वहाँ नहीं रह सकती, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे नाइट में इतना कम टेम्परेचर हो जाता है कि वहाँ नहीं रहा जा सकता। और नाइट में टेम्परेचर किसकी वजह से है कम होता है, क्योंकि वहाँ गैसेस नहीं है जो उस टेम्परेचर को रिटेन कर सके, ग्रेविटी इतनी कम है कि गैसेस एस्केप कर जाती हैं। ठीक है, नाउ ये मैं बोल रही थी आपसे, CO2 लेवल मस्ट बी इन स्टैंडर्ड क्वान्टिटी, इट डिपिक्स द मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट। अगर स्टैंडर्ड रेंज में आपका टेम्परेचर है तो ये बताता है कि आपको क्या है कि आप नाइट में या टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और लाइफ उसी की वजह से पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट इज योर कुछ साइकिल्स हैं, जैसे हमारी आज हम पूरी करेंगे आपकी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल आप सबने पढ़ी है बचपन से, हम पानी उड़ाते हैं, बादल बनते हैं और वापस पानी आ जाता है, तो वो हम नहीं कंसिडर करेंगे इसके अंदर। नाउ फर्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल, ये क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर से ही हम अपनी नाइट्रोजन लें, और ना ही यू ना कि हम किस तरीके से बढ़ाएं उसे, आर्टिफिशियली क्रिएट करें। जब हम नाइट्रोजन को अपने नेचुरल सोर्स यानी एटमॉस्फेयर से जब लेते हैं देन इट इज़ गुड। जैसे आपके प्लांट्स आपके क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना है हमें, उसका मतलब है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना है और उसे अपनी काम की चीज़ों में यूज़ कर लेना है। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, ये
राइबोसोम बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम्स यानी जितनी भी दालें होती हैं उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं, उन लेग्यूम्स के जो रूट्स होती हैं उनमें राइबोसोम्स बैक्टीरिया लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब कराते हैं और इन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, ठीक है। फिर जो प्लांट होता है आपका, वो प्लांट इन्हीं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब करके उनका यूज़ किस पे करता है, एमिनो एसिड बनाने में, ठीक है। ठीक है, अब अभी बोलता है देखिए, नाइट्रोजन आर्टिफिशियली फाउंड इन कंपाउंड्स लाइक यूरिया, जैसे हम यूरिया है तो ये क्या आर्टिफिशियली फाउंड बनाते हैं ना हम लोग नाइट्रोजन की, प्लांट्स को हम यूरिया देते हैं तो ये आर्टिफिशियल तरीके से है, तो ये बैड है। इससे क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन का कंसनट्रेशन क्या होगा, कभी कन्वर्ट, मतलब होता क्या है, एटमोसफेयर में नाइट्रोजन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बदलती रहती है ना, नाइट्रेट से नाइट्राइड्स बना, फिर अमीनो एसिड बना, फिर अमीनो एसिड से अमीनो एसिड से हमने खाए, फिर हमने यूरिया की टर्म्स पर सिक्रीट किया, या फिर हमने क्या करा था, अमोनिया के रूप में से सिक्रीट किया, तो ये साइकिल कन्वर्ट होती रहती थी। अब जब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, तो आर्टिफिशियली चीज़ों को प्रोड्यूस करने से क्या होगा, इनकी क्या हो जाएगी एटमोसफेयर में, कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। अब किसी भी चीज़ की एटमोसफेयर में हद से ज़्यादा कंसनट्रेशन पड़े उसकी रिक्वायरमेंट से, वही क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ ह्यूमंस क्या सिक्रीट करते हैं, हमने क्या किया, प्लांट्स से अमीनो एसिड्स खाए और उन्हें सिक्रीशन करते हैं हम अपनी बॉडी से, कैसे आउट करते हैं, इन द टर्म्स ऑफ यूरिया। प्लांट क्या करते हैं, बताया था मैंने, नाइट्रेट और नाइट्राइज लेते हैं और उसे अमीनो एसिड में बदल देते हैं। अभी अमीनो एसिड्स हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, अगर उनको बारीक तोड़ दिया जाए, बेसिक यूनिट में दे दिया यार, अमीनो एसिड्स। नाउ अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक सिस्टम या एक्वेटिक लाइफ यूनिफॉर्म एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं क्या, अमोनिया सिक्रीट करते हैं, जैसे इस तरीके से हम यूरिया सिक्रीट करते हैं। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है कि एक ने सिक्रीट किया किसी के लिए, वो सिक्रीशन क्या है उसकी, अब अमाउंट, ऐसे हमने जो सिक्रीशन करते हैं वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, प्लांट जो सिक्रीट करते हैं अमीनो एसिड्स वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इंटरडिपेंडेंसी है, क्या है हमारी इंटरडिपेंडेंसी है, लेकिन जब से हम ये आर्टिफिशियली क्रिएट करने लगे तो इंटरडिपेंडेंसी कम हो गई और ये क्या करता है, पॉल्यूशन का कारण बनती है। नाउ आपको पता होगा कि हमारा जो पहला कंपाउंड था जो आर्टिफिशियली हमने बनाया था लेबोरेटरी में, वो भी क्या था आपका, इटसेल्फ सबसे बुरी इन्वेंशन आई थिंक, यूरिया, ठीक है, ओके। तो अगली 2 साइकिल्स हम अपने अगले लेक्चर में पूरी करेंगे, ठीक है, बाय बाय।